Let's begin the class. Now today we start new chapter. Chapter 7, experiments with verb. So chapter 6 is every verb counts, and now chapter 7 is experiments with verb. Both chapter are related with water. Okay. Now chapter 6 ke baad ki kaise eating more water hamare liye precious hai. Without water, life is not possible. Okay. But this chapter, we have this chapter about experiments. What we start doing experiments, what we are doing, what we are doing, things for it, promote it, receive it, we will be doing it. Today, what we are doing? Okay. So we begin case number 16. Page number 16. All of you open your previous book and open page number 16. So chapter 7, experiments with water, and page number 16. Okay, and from the top of what fruits, what seeds. Okay, kya tehta hai aur kya dukta hai. Okay, fruit means jo bhi things kya hoti hai, paani pe upar reh jaati hai. Aapne dekha hoga kai baar aapko bucket paani ki jo hoti hai usme cheeze dalte hain ya jab rehne hoti hai to aap paper ko float karate hain. Okay, jab koi paani par jata hai पेपर बोट बनाकर पेपर बोट को फ्लोट कराते हैं. ओके, सो फ्लोट जो भी थिंग्स पानी के ऊपर तैरती रहती है, एंड व्हाट थिंग्स जो भी ऑब्जेक्ट्स है या थिंग्स है उनको अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी में क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे. ओके, उसके बॉटम पे चले जाएंगे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट सिंक्स हो गया, सैंक हो गया. ओके, डूब गया. ओके, सो इन दिस चैप्टर सो वी रीड इट. व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स. I was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite puri and spicy noodles. Okay, so in this chapter again, his name is Aisha. Aisha क्या कर रही है? Aisha dinner का wait कर रही है. और आज उसकी Ammi है या आज उसकी mother बन है, उन्होंने उसका favorite food बनाया था puri और spicy noodles. Okay, are you right? So Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. Okay. So Aisha वही पास में खड़ी थी किचन में ही, और जब उसकी माँ पूरी बना रही थी तो उसने देखा उसकी माँ पूरी कैसे बना रही थी. वो थोड़ा सा आटा लेती थी, धो लेती थी और उसको रोल करके पूरी बनाकर उसको क्या कर रही थी, गरम तेल में डाल रही थी. ओके, she saw that it was the puri sank to the bottom of the pan. As it popped up, the puri came up and started floating on the pan. Okay, तो आप सबने भी देखा होगा जब आपकी मदर पूरी बनाती है तो क्या होता है, तो पूरी को लोड करती है और उसके बाद पैन में या कढ़ाई में बोट में उस पूरी को तेल में डाल देती है. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले पूरी उस तेल में उस ऑयल में क्या हो जाती है, डूब जाती है. ओके, फर्स्ट वो डूब जाती है और जैसे ही वो फूलती है तो तेल के ऊपर आके फ्लोट करने लगती है. ओके, ऑयल के ऊपर आके क्या करती है, फ्लोट करती है. ओके, तो ऐसा इस चीज को बहुत ही ऑब्जर्व उसने किया, उसको देख के लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, सबसे पहले पूरी क्या होती है, ऑयल में डूब जाती है, देन ऊपर आके उस हॉट ऑयल पे फ्लोट करने लगती है. ओके, वन पूरी डिड नॉट पॉप अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. ओके, तो जब उसकी माँ पूरी बना रही थी उसने देखा कि एक उसमें से जो नहीं थी तो वो ऊपर आके फ्लोट भी नहीं करी. ऐसा बहुत मोस्टली होता है कि जब पूरी फट जाती है और पूरी क्या होती है, पूरी के अंदर ऑयल भर जाता है,
पूरी क्या होती है, वो पूरी रहती है। फिर अगर पूरी पूरी नहीं है तो ऑट ऑयल के या तेल में वो ऊपर आके फ्लोट नहीं करती। सो ऑन सीइंग दिस आई सॉ टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल। सी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर। It sank to the bottom and stayed there. Okay? तो जब आयसा ने ऐसा देखा तो उसकी माँ को पूरी बना रही है, तो माँ ने जैसे आती है तो पहले तो टूटती है, फिर दोबारा तो तैरने लगती है, क्योंकि फ्लोट करने लगती है। तो उसने भी सोचा थोड़ा सा डो ले लेते हैं। ओके, जब हम आटा गीला करते हैं तो उसको डो बोलते हैं। ओके, उसने डो में से थोड़ा सा आटा लिया और उसको रोल किया। ओके, रोल उसने रोल करके उसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। फिर उसने एक बाउल में वाटर फिल किया और उस बाउल में वाटर फिल करने के बाद उसने उस बाउल को क्या किया, उस वाटर को डाल दिया। पर वो शॉकिंग थी, जो बॉल थी वो सीधे सीधे बाउल के बॉटम में चला गया। ओके, और फिर वो वरी होकर बैठ गया। ओके, तो अब क्या हुआ, अब आज तक के आयशा को क्या लगा कि उसका जो डो बनाया, उसने जो बॉल बनाया उसी बॉटम में बैग चला गया और ऐसे वहीं पर रह गया, वो फ्लोट ले गया। सो थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, अब वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। ओके, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। सो आयशा पुट अ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। अगर आयशा बाउल में एक पम फूली हुई पूरी को पानी के बाउल में डालती या उसी होती कि वो फ्लोट होती, आपसे पूछा है मैंने। तो जब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डांट देती होगी, आप पूरी को अगर पानी में डालेंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे ना। तो फिर भी आप छोटी सी पूरी में से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जब पम्प पूरी होगी, जो पूरी हुई पूरी होगी, अगर आप उसको बाउल में डालेंगे तो वो ऊपर तैरती रहेगी। ठीक है, तो क्या होगी, ऊपर फ्लोट करेगी बाउल में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे पूरी क्या होगी, गीली होगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो गीली होने लगेगी और जैसे ही उसका वेट बढ़ेगा पूरी पानी में डूब जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, पुट इट सिंक और फ्लोट।
sponsor for this. For cookie in a bowl of water, put food as it is lighter than So, and second is a steel plate poured on water and it is lighter than water. जैसे कि हमने बॉक्स में पढ़ा था, steel plate क्या होती है? पोर करके इसलिए वो वाटर से हल्की है. वाटर से हल्की है इसलिए वो वाटर से पोर करके. On the other hand, a spoon which is heavier than water would sink. Okay? A spoon क्या होता? कैरी हो जाएगा वाटर से वो सिंक हो जाएगा टूट जाएगा. एंड रिमेम्बर जो स्पून होगा वो स्टील का होगा. प्लास्टिक स्पून क्या होगा वो फ्लोट करेगा. आप इसमें प्लास्टिक स्पून के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्लास्टिक स्पून फ्लोट करेगा. यहाँ पर हम स्टील के ही स्पून की बात कर रहे हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज put the cap of a plastic bottle sink or hold on water. It's one of the things.
So answer A is the head of a plastic bottle would hold a water at least lighter than water. So plastic bottle ka head kya hoga? Hold lighter than water. Aur aisa isliye hoga kyunki wo water se halka hoga. Write down. Now, next is paragraph. So start last paragraph. In the evening, Aisha went for the bath. She had just come out when her mother called. Aisha, you had dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell on her hands. Okay? तो जो paragraph है उसमें आप देख रहे होंगे साइड में ही एक पिक बनी हुई है गर्ल की और उसके हाथ में सूप है और क्या है बकेट कैसी है फुल ऑफ वॉटर ओके वॉटर से पूरी फिल है ओके तो एक शाम को क्या हुआ उसी शाम को आयशा नहाने के लिए गई ओके बात करने के लिए गई और वो जैसे कि बाहर निकली उसकी माँ ने बोला आप नहा के जैसे बाहर निकलो तो आपकी मदर अच्छे से तो बोलती कि आपने सूप के नीचे छोड़ दिया है या सूप पानी में गिर गई तो उसको निकाल दो वही ऐसा ही आयशा के साथ हुआ तो उसकी माँ ने उसे पुकारा और आयशा ने उसे कहा कि आपने सूप को पानी में छोड़ दिया है यानी आपने उसको वॉटर में ही ऐसे कि ऐसे आप सूप छोड़ के चले आए उसको बाहर निकालो और उसको सूप केस में रखो सूटकेस जिसमें हम सूप रखते हैं ओके प्लास्टिक की जो बॉक्स होती है उसे हम सूटकेस कहते हैं तो सूटकेस में आप सूप को बाहर निकाल के रखो ओके तो आयशा बहुत जल्दी ले गई और जो सूटकेस था वो उसके हाथ से छूट के क्या हुआ इस बकेट में गिर गया ओके सो हियर पेज नंबर 60 इज कंप्लीटेड नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 61 It started floating on water. और जब सूटकेस उसके हाथ से छूटा क्या हुआ सूटकेस पानी पर तैरने लगा आयशा gently put the soap in the suitcase. She saw that the case continued on float again with the soap in it. Okay? आयशा ने जब देखा कि सूटकेस पानी के ऊपर है उसने उसके ऊपर क्या किया सूप बहुत उसपे इजली बहुत हल्के से उसने उस सूप को भी सूटकेस पे रख दिया और उसने देखा कि सूटकेस क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहा है ओके कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहा है तो ऐसा क्यों हुआ जबकि सूप क्या था सूप पानी में डूब गया था ओके जब सूप उसका गिरा हुआ था तो उसमें बकेट में क्या हुआ था डूबा हुआ था सिंक था ओके बट उसने केस पे जब सूटकेस फ्लोट कर रहा था तो और उसने उसमें सोप रखा तो उस सोप के साथ ही सूटकेस फ्लोट कर रहा है लुक एट द पिक्चर सोप के साथ में ही सूटकेस फ्लोट कर रहा है ओके हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक्स क्या आपने ऐसा देखा है कि जो थिंग्स होती है कुछ चीजें होती है वो पानी पर फ्लोट करती रहती है जबकि दूसरी तरफ कई थिंग्स या दूसरी जो थिंग्स होती है वो डूब जाती है थिंक हाउ दिस हैपेंड सोचिए ऐसा क्यों हुआ द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चंस ओके एक यहां पोएम दी हुई है तो वो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को रेज कर रही है ओके तो ऐसा इसलिए होगा एक तो सबसे फर्स्ट सोप जो होगी वो यूज्ड सोप होगा आप बिल्कुल अगर न्यू सोप को सोपकेस के ऊपर रखना चाहेंगे तो क्या होगा वो सिंक हो जाएगा यूज्ड सोप होगा तो सोप क्या होगा यूज हो चुका होगा वो सोप हल्का हो गया होगा ओके तो वो सोपकेस में फ्लोट करता है सो ये आप ऐसी बहुत सी जो थिंग्स होती है आप करके अपने घर में देख सकते हैं कुछ थिंग्स आप कलेक्ट करिएगा और बकेट में वाटर फिल करके आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा और आपको
समझ में आएगा कि जो भी थिंग्स हल्की है लाइटर है, वेट भी कैसी है लाइटर है और पानी से क्लियर थी वो ऊपर फ्लोट करेंगी, मतलब कितना फ्लोट करेगी, और जिनका भी वेट हैवियर है और जो पानी से भारी है वेट है उनका वो सारी की सारी क्या होंगी सिंक हो जाएंगी डूब जाएंगी। ओके, और ये मेन डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा नहीं है तो छोटी थिंग्स भी हो तो और वो अगर भारी है तो वो डूब जाएगी, पर अगर बड़ी थिंग है और वो वॉल्यूम में हल्की है ओके उसका वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, तो उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा कि वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। ओके, नाउ वी रीड द पोयम बाय ओवन। ओके, दिस पोयम इज बाय ओवन। A wooden boat in water will float, but a little will sink. Why does this happen? Let me think. अब वो बोल रहे हैं एक लकड़ी की बोट पानी पर तैरती रहती है, पर एक सुई पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है सोचिए। An iron ship will also float. So it's much heavier than my boat. एक आयरन शिप भी पानी पर फ्लोट करता रहता है, जबकि वो मेरे जो बोट है उससे भी भारी होता है। ओके, but a little light as a leaf, thin as a pin, will sink lightly. और एक जो निडिल है पत्ती के समान हल्की होती है, एक लीफ की तरह लाइट होती है और बिल्कुल पिन होती है, पिन पिन की जैसी पतली है, फिर भी वो डूब जाती है। Why does this happen? Let me think. तो वो आपको पोएम में भी कह रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि एक सेम एक बोट नदी में ही तैरते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि छोटी सी सुई होती है, निडल होती है या पिन, वो डूब जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा। तो अगर हम इस पोएम की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है जलस्थिति के कारण। ओके, अगर हम आपसे कहें कि ऐसा शायद जो भी हो रहा है वो जलस्थिति के कारण हो रहा है। ओके, अब जलस्थिति आपने अभी नहीं पढ़ी होगी, शायद पढ़ी भी हो, नेक्स्ट क्लासेस में आप इसके बारे में मोर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको एक शॉर्ट बता रही हूँ कि जलस्थिति, ओके, जलस्थिति अगर किसी थिंग्स की हैवियर हो, जो भी थिंग्स होती है, थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनकी डेंसिटी वाटर से हैवियर होगी तो वो सबके साथ सिंक हो जाएंगी। ओके, और जिन थिंग्स की डेंसिटी लाइट हो वाटर से वो सब फ्लोट करते रहते। ओके, तो आपने थ्री टाइप्स के मेथड्स पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो जो सॉलिड होते हैं, ओके, आपको याद रखना है डेंसिटी हाई है
So do this and find out. Do this experiment in group of four friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observation in this table giving on the next page. एक आपसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि आप चार फ्रेंड्स की जो फोर फ्रेंड्स की ग्रुप बनाइए और एक टब में पानी भर के उसमें एक टेबल साइज पे बना लीजिए नोटबुक पे और आप उस थिंग्स के साथ करके देखिए. पहले तो ऐसा करना है और ऐसे बिना करे आप सोचिए कि क्या होगा और फिर करके देख रहे हैं क्या होगा. तो अगर आप घर पे कर सकते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको करके देखिएगा. ठीक है, डू. तो आप इसको ऐसा करके देखेंगे तब आपको इजिली जो भी थिंग्स कैसे प्रूव कर रही है कैसे सीव कर रही है समझ में आएगा. ओके, सो हियर पेज नंबर 61 इज कंप्लीटेड. ओके, एनी डाउट्स एनी क्वेरीज. मैम ये टेबल लिखना जरूरी है. यस मैम, कट गया.